चलिए आज हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6.3% वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है, 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 33,750 है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो कितनी दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे दर 6.2/3। तो सबसे पहले हम इसे सही तरीके से लिख रहे हैं, 6 × 3 = 18, 18 × 19 = 20, 20/3%। और हमें समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। तो समय बराबर लिखते हैं 3 वर्ष दिया गया है। तीन वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि ये जो वर्तमान जनसंख्या है वो क्या होगी, ये हमारे सवाल के लिए प्रारंभिक मान होगा जनसंख्या का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी को किससे दिखाते हैं, ये प्रारंभिक जनसंख्या के लिए हम दिखाते हैं उसे पी से। तो कितनी दी गई प्रारंभिक जनसंख्या, 33,750। और ये देखिए प्रारंभिक क्यों मानिए, क्योंकि हमने हमसे क्या पूछा गया है सवाल में, 3 वर्ष बाद, यानी कि जो जनसंख्या अभी 33,750 है वो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी वो हमें निकाल के बताना है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी प्रारंभिक मान हो जाएगा जनसंख्या का। तो प्रारंभिक मान को हम दिखाते हैं पी से, और जो अंतिम मान है उसे किससे दिखाते हैं, ए से, और वो हमें बताना है। तो इसके आगे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मूला ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 e^n। यहाँ पर हमें a बताना है, तो इसलिए a की जगह a आएगा, p की जगह हम वैल्यू लगाएंगे कितनी है, 33,750। वन प्लस r हमारा कितना है, 20/3। तो यहाँ लिखेंगे 20/3 गुणा में r लग, ये 100 लिखेंगे, और n हमारा है 3 वर्ष, तो n की जगह हम 3 लगाएंगे। तो देखिए 20×5 कितना हो जाएगा, 100, ये चला जाएगा 5 बार। तो यहाँ पर इसे हल करके और लिखेंगे 33,750 ब्रैकेट में 1 + 5 = 15, और ऊपर कितना आएगा, 1 आएगा, नीचे आएगा 15^3. 33,750 अभी ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 15, यहाँ आ जाएगा 15 से 15 कट जाएगा, जो ऊपर है वही मान आएगा, ऊपर कितना है हमारा, 1 है, तो 1 की जगह हम 1 लिखेंगे 3/4। तो a बराबर हो जाएगा हमारा 33,750 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 16/15 3। तो देखिए अब हमें इसे हल करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 जो है इसे हम तोड़कर लिखेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे तोड़ के, 33,750 गुणा, अगर 16 को हम 3 बार लिख दें तो क्या हो जाएगा, वो 16/3। तो इसे लिखेंगे 16 × 16 × 16, और 15 को हम 3 बार लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, 15/3। तो देखिए 15 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 × 30, 30 और यहाँ पर है 33, तो कितना बचेगा, 3, तो
पंद्रह दुना 30, फिर दोबारा से जाएगा दो बार, कितना बचेगा यहाँ पर 7, 15 पंजे 75, यहाँ 0 का 0 आ जाएगा, 15 से फिर काटेंगे इसे, 15 एकम 15, कितना बचेगा 7, 15 पंजे 75, 15 पंजे तो यहाँ पर अब आएगा 0, तो 15 दहाई 150, तो ये कितनी बार गया 10 बार, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 10 × 16 × 16 × 16, दस का 10 16 सोलियम होते हैं 256 × 16, अगर हम 256 की गुणा कर दें 16 से 6 × 36 6 × 5 × 36 6 × 5 × 13 6 × 6 × 9 5 × 5 × 10 3 × 1 × 4, तो ये ए बराबर आ जाएगा हमारा 10 × 4096, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा, इस 10 की गुणा अगर इससे कर दें तो कितना हो जाएगा 40,960। तो हमारी 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 40,960। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 40,960। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है कि उसके मूल्य में जो होता है घाटा होता है, यानी कि जो उसका मूल्य है 12% की दर से घट रहा है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 29,040 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था, तो 2 वर्ष पहले जो इसका मूल्य था वो हमें बताना है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, अवमूल्यन यानी कि घाटे की दर, जो अब जो हम आर लेंगे, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था अगर घाटा होता है तो आर को हम क्या करते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दर आर बराबर क्या हो जाएगा, -12%, क्योंकि 12% वार्षिक दर से जो है इसका मूल्य घट रहा है, तो इसलिए ये माइनस में लेंगे। अब और हमें क्या दिया गया है, जो वर्तमान मूल्य है, यानी कि जो हमारा इस फॉर्मूले में क्या होगा, ए होगा, जो इस मूल्य इस मशीन का जो अंतिम अंतिम जो मूल्य है वो होगा 29,040 रुपये। तो अंतिम मूल्य को हम किससे दिखाते हैं, ए से, और इस हमें क्या बताना है, 2 वर्ष पहले, यानी कि हमें समय कितना दिया गया है, समय को हम दिखाते हैं एन से, समय दिया गया है 2 वर्ष, तो हमें 2 वर्ष पहले का जो इसका मूल्य है यानी कि प्रारंभिक मूल्य इसका बताना है, जो कि 2 वर्ष पहले हुआ करता होगा इसका, तो वो किससे दिखाएंगे, ए पी से, पी को दिखाते हैं, तो पी हमें बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो फॉर्मूला हमें वही इस्तेमाल करना है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 की होल पावर n। तो देखिए अब इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, जो इसमें अवमूल्यन हो रहा है, जो इसका मूल्य घट रहा है, तो उसमें या तो यहाँ पर हम R में माइनस लगाएं या फिर हम फॉर्मूले में ही माइनस लगा दें, तो यहाँ पर हमें ये माइनस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, हम अवमूल्यन वाले सवाल में हम जो फॉर्मूले में ही माइनस लगा देंगे।
तो फिर इससे गलती होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो अब जो जो मान दिए गए हैं हम फॉर्मूले में लगाते हैं, तो ए दिया गया है हमें 29,040 रुपये, पी हमें निकालना है जो कि इस मशीन का जो है प्रारंभिक मूल्य होगा 1 माइनस, आर हमें कितना दिया गया है 12% अपॉन 100 की होल पावर, समय दिया गया हमें 2 वर्ष। तो पहले जो हम काट सकते हैं वो काट लेते हैं, 6 दुना 12, 50 दुना 100, 3 दुना 6, 25 दुनी 50। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 29,040 इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस, बचेगा हमारे पास 3/25 की होल पावर 2। 29,040 पी ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 25, 25 कम 25 माइनस 25 से 25 कट जाएगा, जो ऊपर है वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो कितना है ऊपर, 3 है, होल पावर 2, 29,040 बराबर पी 25 में से 3 घटा दें तो कितना मिल जाएगा हमें, 22, 22/25 की होल पावर 2। अब आ जाएगा हमारा 29,040, इसे हम क्या करेंगे तोड़ के लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 22 को 2 बार लिखेंगे और 25 को भी 2 बार लिखेंगे, क्योंकि इसकी होल पावर कितनी है 2 है, तो हमने 2 बार इसे गुणा में लिख लिया। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पी को एक साइड लेकर जाएंगे और बाकी सब एक साइड, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, इसकी हम कैची गुणा करेंगे तो 29,040 के साथ में किसकी गुणा होगी, 29,040 जो दूसरा एरो जिस पर टच हो रहा है वो उसकी गुणा उसके साथ हो जाएगी, 25 गुणा 25। अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा हमारा ये पी के साथ में गुणा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भाग में, तो कैसे, 22 गुणा 22। देखिए 2 से काटेंगे कितना मिलेगा हमें, 2 कम 2, 4 दुना 8, 5 दुना 10, 2 दुना 4, 0 का 0 यहाँ पर कितना आएगा, 11, फिर 2 से काटते हैं यहाँ कितना रह जाएगा, 2 11, तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 दुना 14, 2 दुना 4, 6 दुना 12 और 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7,260 गुणा 25 गुणा 25, 11 की गुणा 11 से अगर करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा, तो इसे लिखेंगे 7,260 गुणा 25, 25 25 कितना होता है, 625, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम, 11 11 होता है 121, अगर हम 121 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 7,260 में हम भाग देंगे 121 का, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 कम 6 और 6 दुना 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 कम 6, 6 और 1, 7, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 10 बार कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 60। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 60 गुणा 625। अगर 625 का हम 60 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 का 0 लिख देते हैं, 6 पंजे 30, 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 दुना 12, 12 और 3, 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 चंग 36, 36 और 1 37।
तो ये हो जाएगा हमारा 37,500 रुपये। तो ये आ गया हमारा उत्तर, जो कि हमें पूछा गया था 2 वर्ष पूर्व इस मशीन की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 37,500 रुपये। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक यू।